मुरादाबाद के स्कूलों में अब शिक्षा सुधार को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा काम किया जाएगा। मुरादाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार का ये कहना है, एक टीम गठित की गई है जो अभियान चलाएगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि स्कूलों में शिक्षा का स्तर कैसा चल रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि शिक्षा सुधार को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। शिक्षा में सुधार होना चाहिए और शिक्षक समय से विद्यालय पहुंचने चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने एक टीम का गठन किया है। ये टीम मुरादाबाद के स्कूलों में निरीक्षण करेगी और शिक्षा के कार्यों को देखेगी। मुरादाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कहा है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए और स्कूलों में पठन पाठन दुरुस्त होना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। जी हाँ, बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हम सब विद्यालय में समय से सारी जो शासन के जो निःशुल्क बैग थे, पाठ पुस्तक थे, यूनिफॉर्म, वो सारे के उपलब्ध करा दिए गए हैं। शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर बैठक करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता और पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और इसके साथ साथ प्रेरणा ऐप के माध्यम से भी जो भी गतिविधि हो रही हैं विद्यालय में, वो प्रेरणा ऐप के माध्यम से हमारे पास और हमारे प्रदेश मुख्यालय को जा रही हैं। शिक्षकों की जो उपस्थिति को लेकर हर बार सवाल उठते हैं, उसको लेकर क्या निरीक्षण कर रहे हैं क्या? जी, इसके लिए हमारा जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय टीमों का गठन किया गया है और पहले से शिक्षकों की उपस्थिति बहुत बेहतर हो गई है। आपके द्वारा कोई निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा स्कूलों में? जी हाँ, बिल्कुल चलाया जाएगा। निरीक्षण अभियान सिर्फ सुधारात्मक होगा, दंडात्मक नहीं होगा।